वाली बिलासपुर के धावनी सहनपुर के जंगल में एक युवती घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसके गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। युवती को देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया, लेकिन वे बोलने की हालत में नहीं थी। युवती को एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल भेजा गया। दिल्ली की युवती को रामपुर के एक युवक ने प्यार के जाल में फंसा कर धोखा दिया, शादी का झांसा देकर रामपुर लाया और युवती का रेप और उसके बाद उसको जान से मारने की नीयत से उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, युवक युवती को मरा समझकर फरार हो गया, लेकिन युवती अपनी जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रही थी, जिसका उपचार चल रहा है। कोतवाली बिलासपुर के धावनी हसनपुर गांव के जंगल में आज 25 वर्षीय युवती घायल अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवती को देखने के लिए जंगल में भीड़ लग गई है, लेकिन कोई भी उस युवती को पहचान नहीं पाया और लड़की के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था, इसलिए युवती भी कुछ बोलने के लिए बोल नहीं पा रही थी। तभी वहां पर कुछ सम्मानित लोगों ने युवती को जंगल से उठाकर एक समाज सेवी युवक नदीम के घर छोड़ दिया। नदीम ने तुरंत कोतवाली बिलासपुर को इसकी सूचना दी और 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया। नदीम युवती को लेकर बिलासपुर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने युवती की हालत नाजुक बताई है और रामपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। समाज सेवी नदीम ने से हमने जब इस घटना के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह इस युवती को जंगल से उठाकर मेरे घर पर छोड़ गया था और इस युवती का गला काफी कटा हुआ था और युवती बोलने की हालत में नहीं थी। तब इस युवती ने लिखकर अपना नाम, रुखसार व पता बताया। युवती चंदौसी की रहने वाली है। युवती ने अपने भाई का मोबाइल नंबर बताया तो उसने भाई तस्लीम से मेरी बात हुई और पूरी घटना में के बारे में बताया। तब उसके भाई ने बताया कि उसकी बहन रुखसार 3 जून 2018 से दिल्ली से लापता हो गई थी। पुलिस अधीक्षक विपिन टाणा ने बताया, एक युवती घायल अवस्था में मिली थी, वे दिल्ली भजनपुरा थाने से लापता हुई थी, जिसकी गुमसुदी वहां दर्ज है। हमने वहां की पुलिस को सूचना दे दी है, वे भी आ रहे हैं और रेप की पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है। लड़की बोलने की हालत में नहीं है। युवती रहने वाली चंदौसी संभल की है, वे दिल्ली अपनी बहन के घर गई हुई थी, वहीं से लापता हो गई। ये लड़की सुबह 7:50 पे कोई आदमी जंगल में से उठा के इसे हमारे घर पे छोड़ गया था। कैमरी रोड धावनी हसनपुर बिलासपुर तहसील में आता है, थाना बिलासपुर लगता है। तो वहाँ पे हमारे वालिद साहब के पास ये छोड़ गया था और बताया कि ये घायल है गंभीर रूप से और उसके चोट लगी हुई है, तो इसे आप ज़रा देख लीजिए। अब जब हालत देखी तो उसका गला काफ़ी हद तक कटा हुआ है, जो उसका घाव है बहुत ज़्यादा गहरा है, बोल नहीं पा रही थी, घबराई हुई थी काफ़ी। तो उस कंडीशन में वालिद साहब ने उससे बात की, पता किया क्या हो सकता है। तो हमने लोगों ने एट ए टाइम 100 नंबर को और 108 नंबर को कॉल की और इसे हॉस्पिटल भेजने की बात हुई। मैं इसके साथ वहाँ बिलासपुर CSC हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से वहाँ बात हुई, उन्होंने कहा ये गंभीर जो घाव है बहुत ज़्यादा गंभीर है, गला काफ़ी गहराई से कटा हुआ है, तो इसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर हम लोग रेफर कर रहे हैं। जब तक ये लड़की कोई बता नहीं पा रही थी, लेकिन जब साथ में इसके रहा गया तो उसने अपनापन फील करते हुए इसने अपने भाई का मोबाइल नंबर अपना नाम लिख के मुझे पैड पर दिया। बोलने की कंडीशन में ये नहीं है अभी भी, तो इसने दिया। उस नंबर पर जब बात की तो इसके भाई से मेरी बात हुई, जिनका नाम तस्लीम है, बदायूं रोड रेलवे फाटक के पास चंदौसी इसका मकान बताया उन्होंने। और ये लड़की 3 जून 2018 से भजनपुरा दिल्ली से लापता है, जो कि इसकी सिस्टर ने फ़ोन किया मेरे नंबर पे, इनके भाई ने मेरा नंबर उन्हें दिया, उन्होंने बताया कि लापता है, इसकी गुमशुदगी वहाँ पे दर्ज है दिल्ली में। अभी किसके साथ थी क्या थी वो उन्होंने हालांकि नहीं बताया, लेकिन उनका बार बार ये कहना है कि हम उन्हें सज़ा दिलवाएंगे, हम उनके साथ ये, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें राग है। तो अब इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जंगल में किस अवस्था में थी कैसी थी, अभी तक तो चूंकि घाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गंभीर घाव है, लेकिन ये किसी लड़के के साथ थी ये इसने इशारों में बताया है। लिख के देने के लिए सारी डिटेल तैयार है। परिजन आ गए इनके? जी परिजन आ गए। परिजन हाँ रास्ते में हैं, वो पहुँच रहे हैं, मेरे लगातार मेरे संपर्क में। ये बच्ची जो है एक ग्रामीण को मिली, कोई इलाके छोड़ के गया उनके यहाँ पर, इस पर ग्रामीण ने 100 नंबर पर सूचना दी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, बच्ची को अस्पताल लेके आए हैं। जो बच्ची अभी तक हमें पता चला है वो दिल्ली भजनपुरा की रहने वाली है, वहाँ उसकी भजनपुरा थाने में गुमशुदगी भी दर्ज है। किन परिस्थितियों में बच्ची के साथ ये चोट आई है और क्या घटना घटित हुई है ये अभी बच्ची बता पाने में असमर्थ है, इस बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल बच्ची के जो घरवाले हैं और जो भजनपुरा थाने की पुलिस है उसको हमने सूचित कर दिया है, वो लोग भी आ रहे हैं और इस पर हमारी अभी कार्यवाही चल रही है। जी अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा पा रही क्योंकि बच्ची अभी बोलने में असमर्थ है, परंतु ये बताया जा रहा है कि ये बच्ची जो है किसी युवक के साथ यहाँ पर आई थी रामपुर में, और युवक की तलाश भी हम कर रहे हैं, इसमें आगे जानकारी की जाएगी। जो उनके परिवारजन हैं
और जो भजनपुरा थाने की पुलिस है उससे भी जानकारी की जा रही है, उनके भी पुलिस यहाँ पर आ रही है, तो साथ में उनसे मिलकर कार्यवाही की जाएगी। देखिए मूल रूप से ये चंदौसी की निवासी, मूल रूप से इसका परिवार चंदौसी संभल का रहने वाला है, परंतु ये अपनी बहन के यहाँ भजनपुरा थाने में रह रही थी, जहाँ से कि ये 3 जून को इसकी गुमशुदगी दर्ज है, एक युवक के साथ चला जाना बताया है, और आगे इस पर अब जब बच्ची बरामद हुई है तो हमने इनके परिवारजन और पुलिस से भी संपर्क किया है, दिल्ली पुलिस से, और इसमें आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर कार्यवाही की। सर स्थिति क्या है अभी बच्ची की? स्थिति अभी ठीक है, स्टेबल है, परंतु इसके गले में चोट आई है जिसकी वजह से कि बोलने में अभी असमर्थ है, इसको देखते हुए जो भी आगे डॉक्टर निर्णय लेंगे और जो परिवारजन निर्णय लेंगे उसके हम पूरा